नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्त्रीलॉग्स चैनल में स्वागत है। मित्रों, यह आपका चैनल है, स्त्रीलॉग्स इज योर चैनल एंड फीचर्स योर वॉइस। तो मित्रों, आज प्रस्तुत है जानकारी गणपति उत्सव के बारे में। मित्रों, आपको उनकी उत्पत्ति के बारे में कहानियां तो मालूम ही होंगी, आज कुछ अलग जानकारी। यह कि गणपति का उत्सव गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी नाम से, छवीती चतुर्थी नाम से 2071 ईस्वी से 1190 ईस्वी के बीच चालुक्य, सतवाहना और राष्ट्रकूट साम्राज्यों में गणेश चतुर्थी मनाने का प्रचलन था। और इस बारे में पहला इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य से मिलता है, जहां गणपति उनके कुल देवता थे। पुणे में 1600 ईस्वी में छत्रपति महाराज बहुत धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते थे और उनके बाद पेशवा भी यह त्यौहार मनाते थे। ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक पर्व के रूप में 125 वर्ष पूर्व पुणे शहर से मनाए जाने की प्रथा चली आ रही है। स्पष्ट नहीं है कि इस उत्सव को अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जोड़ने के लिए एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने पहले मनाना शुरू किया था। स्वतंत्रता सेनानी सरदार कृष्णाजी खासकी वाले ने, लोकमान्य गंगाधर तिलक ने या भाऊ साहब रंगारी ने, किंतु 1893 से गणपति उत्सव लोगों को जोड़ने के लिए एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मित्रों, आपको तो मालूम है कि गणपति के 108 नाम हैं, उनमें एक बहुत ही रहस्यमयी और विचित्र किस्म का नाम है द्वई मथुरा, यानी कि दो माताओं का पुत्र। तो गणेश जी को दो माताओं का पुत्र क्यों कहा जाता है? वह इसलिए कि हालांकि उनकी माता जी पार्वती थीं, किंतु गंगा माँ भी उनसे विशेष लगाव रखती थी और उन्हें पुत्र के रूप में ही देखती थी। गंगा माँ जो कि शिव जी की जटाओं में विराजमान रहती हैं, गणेश जी से पुत्रवत ही स्नेह करती थी और उनको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती थी। गंगा मैया ने भी गणेश जी से उनकी माँ होने का सम्मान प्राप्त करने का अनुरोध किया। तो स्कंद पुराण में यह कहानी है कि गणेश जी ने उनकी इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए उनसे वादा किया कि उनकी यह मनोकामना पूरी होगी और प्रतिवर्ष मनुष्यों द्वारा पूजा अर्चना के बाद गणेश जी की मूर्ति जल में विसर्जित की जाएगी, जिससे कि वह गंगा मैया की गोद में जा पाए। और इस तरह गणेश जी का विसर्जन करते वक्त माना जाता है कि गंगा में उनका विसर्जन हो रहा है और वह गंगा मैया की ही गोद में समा रहे हैं। और इस प्रकार गणेश जी का नाम द्वई मथुरा पड़ गया। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गणपति की मूर्ति जो हम घरों में स्थापना के लिए लाते हैं, वह किस प्रकार की होनी चाहिए? मूर्ति लाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो यह कि मूर्ति बालू या मिट्टी की बनी होनी चाहिए, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक मटेरियल की नहीं होनी चाहिए। सभी को यह कथा मालूम है कि ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि माता पार्वती ने उपटन या मिट्टी से गणेश जी का सृजन किया था। गणेश जी को घर लाते समय यह जरूर ध्यान रखें कि मूर्ति मूषक के साथ हो, गणेश जी के साथ मोदक हो और उनके सर पर कोई छतरी, कोई पगड़ी या मुकुट अवश्य ही हो। गणेश जी की एक दंत वाली प्रतिमा का विशेष महत्व है और उनके चार भुजाओं में पाश, अंकुश, मोदक या मोदक पात्र और वरद हस्त भी दिखाई दें। गणेश जी रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीत वस्त्रधारी हैं और पीले और लाल वस्त्र विशेष तौर से शुभ माने जाते हैं। यह प्रयास करें कि गणेश जी की जिस मूर्ति को आप स्थापित कर रहे हैं वह जनेऊधारी हो और उनके बाएं कंधे पर जनेऊ हो। यदि गणेश जी जनेऊ पहने नहीं हैं तो आप स्थापना के वक्त उनको जनेऊ धारण अवश्य करवाएं। गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में सिंहासन या किसी आसन पे आसीन होनी चाहिए और आप उसे किसी पटरे या
लकड़ी के तख्ते पर विराजमान कर ही ढक कर घर लेके आए। मूर्ति का रंग सफेद, सुनहरा, सिंदूरी या हरा होना शुभ माना जाता है और उनके मस्तक पर केसर या चंदन का त्रिपुंड तिलक होना आवश्यक होता है। मित्रों, आप सभी को पता है कि गणपति गजानन नाम से जाने जाते हैं और उनकी सूंड होती है। गणपति की सूंड या तो सामने की ओर होनी चाहिए या वो वेदांतिक होनी चाहिए, यानी कि उसका अग्रभाग बाई ओर हो। बाई दिशा को चंद्र दिशा या इदा नाड़ी माना जाता है, जो कि गृहस्थों के लिए शांत और स्थिर एनर्जी फ्लो का प्रतीक है। गणपति उत्सव से संबंधित एक रोचक जानकारी यह भी है कि विसर्जन सिर्फ ऑड नंबर पर ही किया जाता है। ये ऑड नंबर का क्या महत्व है? मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इवन नंबर सम अंक ठहराव का प्रतीक हैं, जबकि विषम अंक या ऑड नंबर्स विकास व लचीलेपन का, फ्लूडिटी और बहाव का प्रतीक हैं। इसलिए प्रतिमा विसर्जन 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 9वें दिन के बाद 10वें दिन की जाती है। तो मित्रों, 1.5 दिन का क्या अर्थ है? 1.5 दिन का मतलब है जिस दिन गणपति पूजन है उसके अगले दिन मध्यान्ह के बाद, यानी कि दोपहर बाद आप पूजा अर्चना के बाद मूर्ति का विसर्जन करें तो वह 1.5 दिन की स्थापना और 1.5 दिन के बाद विसर्जन माना जाता है। मित्रों, क्या आपको मालूम है विसर्जन के समय मूर्ति की डुबकी 3 बार करने के बाद पानी में क्यों छोड़ी जाती है? वह इसलिए कि यह 3 डुबकियां मनुष्यों के 3 कष्टों का रूप मानी जाती हैं। आध्यात्मिक, जो कि आत्मा, शरीर और मस्तिष्क से संबंधित है। अधिभौतिक, ऐसा दुख या ताप जो कि अन्य भूतों यानी कि अन्य मनुष्यों, शत्रुओं, जंगली जानवरों या सर्प के कारण होता है। और आधिदैविक ताप जो कि समय, प्राकृतिक आपदा या भाग्य, जिसे हम फेट मानते हैं, उसके कारण मनुष्यों को जो तकलीफ, जो कष्ट होता है। तो इन 3 डुबकियों का मतलब है इन 3 कष्टों से निवारण मनुष्य चाहते हैं और यह 3 डुबकियां इन 3 कष्टों से निवारण का प्रतीक है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो गणपति स्थापना एक बार करते हैं उनको प्रतिवर्ष यह स्थापना करते रहनी चाहिए और यदि वह किसी कारणवश यह स्थापना ना कर सके तो उन्हें उद्यापन, जैसे कि व्रत उपवास में किया जाता है, वह कर लेना चाहिए। उसके बाद ही वह मूर्ति स्थापना प्रतिवर्ष न करने से छूट सकते हैं। तो मित्रों, आशा है आपको यह जानकारियाँ रोचक लगी होंगी और गणपति जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, जो कि बुद्धि और बल के दाता हैं, जो कि समृद्धि के दाता हैं, देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं और चारों दिशाएं जिनके वश में रहती हैं, वह आपके जीवन को भी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि से भरपूर करें। और जाते जाते गणपति बप्पा मोरया पुरचा वर्षी लौकरिया, ऐसा कहना शगुन भी माना जाता है कि गणपति जब अगले साल आएं तब तक आप सबका जीवन हरा भरा और सुखमय रहे। मित्रों, कीप वॉचिंग श्री लॉग्स, योर चैनल, योर वॉइस, एंड अपने फीडबैक और कमेंट्स भेजते रहिएगा। आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहेंगे, किस बारे में जानकारी चाहेंगे, या मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप सेफ एंड बाय बाय।